नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश और इंदौर की ताजा खबरों को जानने के लिए खबर पर नजर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन में 2000 फीट नीचे पानी देखने की ऐसी तकनीक जिससे पता चलता है पानी कितनी गहराई पर है और किस दिशा में बह रहा है। दोस्तों, वैसे तो आज तक बोरवेल लगाने के लिए कई पुरानी तकनीक से पानी देखा जाता था, जिनमें अब तो मशीनें भी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वास्तव में ये चीजें काम कैसे करती हैं? आइए जानते हैं योगेंद्र जी से। देखिए, पहले आपको नारियल के माध्यम से पानी चेक करके बताऊंगा, राड के माध्यम से पानी चेक करके बताऊंगा, मशीन के माध्यम से पानी चेक करके बताऊंगा। दोस्तों, नारियल को दोनों उंगलियों पे मतलब सीधी हथेली के ऊपर ऐसा रखा जाता है, जहाँ पर भी हमारा पानी होगा वो नारियल एकदम से मूवमेंट करने लग जाएगा, उठने लग जाएगा। मैं आपको एग्जिट पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूँ जी। देखिए, मतलब यहाँ पे पानी है। हाँ, यहाँ पर अंदर पानी है भाई। कुछ लोगों का सवाल होता है कि वो उंगली से नारियल उठाते, लेकिन ऐसा नहीं है, नारियल उठता है। अब देखिए, मैंने ये तो कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर उंगली के ऊपर नहीं रखा है, लेकिन फिर भी ये नारियल जो है यहाँ पर खड़ा होगा। देखिए, ये हो गया खड़ा यहाँ पर। जैसे कि हमारा नारियल जो है पॉइंट वाली जगह पर नहीं उठेगा, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी का कोई पार्ट वहाँ पर टच होगा तो ये नारियल अपने आप उठ जाएगा। देखिए, ये उठा। लोटिया से पानी चेक करने की विधि आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने इस लोटिया में पानी कूट दिया और जहाँ पर हमारा पॉइंट होगा, जहाँ पर हमारा पानी होगा, वहाँ पर ये मूवमेंट करने लग जाएगा और पानी अपने आप ढुलने लग जाएगा। भाई साहब, यहाँ पर हम चले चले चले, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो ये देखिए अपने आप मूवमेंट करने लग गया। ये मेरी हथेली बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल, ये वाह, ये दूसरों के हाथ में भी मूवमेंट कर सकता है। हाँ भाई साहब, ये कुछ लोगों के हाथ में मूवमेंट कर सकता है, मतलब जो जिनके हाथ में नारियल उठता है या जो रोड से चेक करते हैं उनके हाथ में मूवमेंट करता है। और मतलब ये समझ लीजिए 50% लोग इसका अनुमान लगा के पानी चेक करते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी में, पुरानी पद्धति में इन राड़ों के माध्यम से पानी चेक किया जाता था। भाई साहब, जहाँ पर अपना पॉइंट होगा वहाँ पर ये मूवमेंट करने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी। अपना इस दिशा में पानी है तो ये राड़े इस दिशा में मूवमेंट करेगी, और इधर पानी है तो इस दिशा में मूवमेंट करेगी। मतलब जहाँ पर हमारा एग्जिट पॉइंट होगा वहाँ पर ये रोड क्रॉस बन जाएगा। ऐसा ये हम चल रहे इधर है ना, चल रहे, ये देखिए राड मूवमेंट करने लग जाती है, फिर हम इस दिशा में चलेंगे। जैसे हमारे कई लोगों का सवाल रहता है कि ये वास्तविक में मूवमेंट करती हैं या जैसे ऐसे हाथों से करवा दिया जाता है इनको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता है, वास्तविक में मूवमेंट करती है। इसकी पहले पढ़ाई की जाती है, मतलब इसका अध्ययन किया जाता है, उस हिसाब से ये राड़े मूवमेंट करती है। हमारे हाथ तो सेम रहते हैं, मतलब राड़े ऑटोमेटिक, ये देखिए ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लग जाती है रोड़े। ये देखिए, ये अपना मूवमेंट करने लग गई है। देखिए, और ये पूरा क्रॉस बन गया, ये पूरा क्रॉस बन जाता है। ये पहले मैंने तीन विधियों के माध्यम से बताया आपको, अब ये चौथी विधि के माध्यम से बताऊंगा। अब इस विधि में मैं आपको हाई टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन के माध्यम से पानी चेक करके बताऊंगा। अच्छा, थोड़ा इस मशीन के बारे में भी हमें बताइए, ये किस प्रकार से काम करती है। देखिए, ये मशीन जो रहती है, जहाँ पर भी हमारा पॉइंट रहता है, जहाँ पर एग्जिट पॉइंट रहता है या पानी रहता है, वहाँ पर ये मशीन क्या करती है कि घूम जाती है, डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन में हमको चलना पड़ता है। देखिए, मैं जैसे कि चल रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ पर भी हमारा पानी होगा वहाँ पर ही हमें मशीन ले जाएगी। देखिए, इस मशीन ने इधर मूवमेंट किया, मतलब ये इस दिशा में पानी है। हाँ। तो ये 300 फीट इधर का और 300 फीट इधर का, दोनों का एरिया कवर करके ये चलेगी। हाँ। अब जैसे कि हम चल रहे हैं, ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, जहाँ पर भी हमारा पानी होगा ये मशीन हमको डायरेक्शन देने लग जाएगी। जैसे इधर डायरेक्शन दिया मशीन ने, तो हम इस दिशा में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मशीन सर्चिंग होती है कि इतनी इतनी दूरी पर पानी है, इतने इतने फीट पर ये जाना है, ये सब जानकारी देती है इसमें। और जैसे कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर हमारा सर्कल बना, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी एक आव कट रही है, गैप कट रही है, इधर से पानी बहकर इधर आ रहा है। अच्छा, ये भी पता चल जाता है अपने को। जैसे कि ये इधर है, इधर मशीन ने 180 डिग्री का मूवमेंट किया, ठीक है, मतलब पानी ये इधर मशीन आके इधर आई वापस, मतलब पानी हमारा इधर से इधर आ रहा है, और जहाँ पर भी हमारा पॉइंट होगा वहाँ पर सर्वाइव करने लग जाएगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा एग्जिट पॉइंट था, तो ये देखिए मशीन यहाँ पर घूमने लग गई है, मतलब हमारा यहाँ पर पानी है। ये देखिए, बिल्कुल कड़क पकड़ रखा है अपने हाथ को, ठीक है, तो भी मशीन ये घूम रही है, देखिए। और अब यहाँ पे हमारा पानी वाला पॉइंट है, मैं जैसे ही इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए मूवमेंट करना। और ये मशीन कितना नीचे का पानी दिखाती है अपने को, सबसे ज्यादा? ये मशीन अपने को 2000 फीट तक का नीचे का पानी दिखा सकती है। हमें ये पता लग सकता है कि नीचे पानी कितना है? हाँ, ये पता लग सकता है कि आपको कितनी गैप मिलेगी और आपको कितना गहरा करवाना है अपना बोरवेल जी। तो हाँ, हमें वो प्रोसेस भी बताइए। तो उसके लिए हम एक इंच टेप रहती है, उसका यूज करेंगे। जिधर भी पूर्व दिशा होगी उधर हम इस टेप को
लंबा करेंगे, ठीक है। हाँ। और हम इस टेप के माध्यम से मालूम करेंगे कि कितने कितने फीट पर हमको गैप मिलेगी। हाँ। जैसे कि हम पूर्व दिशा में मशीन लेकर चल रहे हैं। हाँ। अब हम जहाँ पर हमारी मशीन मूवमेंट करेगी वहाँ पर हमें मालूम पड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर मशीन ने मूवमेंट किया, ठीक है। तो पहली गैप हमको मिलेगी 160 फीट के समथिंग, यहाँ पर आगे हम चल रहे हैं। हमारी जो सेकेंड गैप है वो हमको मिली है यहाँ पर, ये मतलब हमारी सेकेंड गैप जो है वो 320 फीट के समथिंग है। तो 320 फीट का अनुमान आपने कैसे लगाया? इस इंच टेप से लगाया, मशीन ने मूवमेंट किया था 32 फीट पे जी। तो हमने अनुमान लगाया कि ये 320 से लेकर 350 फीट के अंदर हमारी सेकेंड गैप मिलेगी जी। तो हम किसानों को तीन बार की गैप बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पुरानी और मशीन वाली सारी ही तकनीक से पानी देखने की चीजों को समझ चुके होंगे। अच्छा भैया जी, कोई किसान भाई या कोई भी हाँ? जमीन के अंदर मशीन से पानी देखना चाहता है हाँ? वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते? तो मेरे नंबर है 8120411774। आप लोग कहाँ कहाँ से हमें देखते हैं ये भी बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया।